सब्सक्राइब करें जीत स्टॉक चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो के लिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीत स्टॉक में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हम अपने सिस्टम की लोकल डिस्क जो लॉक हैं उनको अनलॉक कैसे करते हैं, ड्राइव्स को लॉक ड्राइव को अनलॉक कैसे करते हैं। दोस्तों यदि हमारे पास पासवर्ड है जो हमने सेव किया है तो हम इसे इजीली रिमूव कर सकते हैं ई ड्राइव की। जैसे एफ ड्राइव में अभी पासवर्ड डला है, ई ड्राइव में कोई पासवर्ड नहीं है, तो हम ई ड्राइव में जैसा ई एफ ड्राइव का पासवर्ड अलग कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपके पास पासवर्ड है तो आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, और यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो उसका भी करने का तरीका है, वो भी मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। तो लास्ट तक बने रहिए और पूरी वीडियो देखिए। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं। सो हे गाइस, दिस इज जीत एंड वेलकम टू ऑल इन जीत स्टॉक। सबसे पहले दोस्तों आपको कंट्रोल पैनल पर ऑप्शन पर जाना होगा, और इसके बाद हमें जो फर्स्ट ऑप्शन है सिस्टम एंड सिक्योरिटी, इस पर क्लिक करना होगा। सिस्टम एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करने के बाद आप इसमें नीचे देखेंगे डैशबोर्ड में बिट लॉकर डिवाइस इंक्रिप्शन एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों जैसे आपने देखा है इसमें एफ ड्राइव एंड जी ड्राइव लॉक्ड लिखा है, ये लॉक है। तो इसका लॉक हटाने के लिए सबसे पहले इस जिस ड्राइव का लॉक हटाना है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसको सिलेक्ट करने के बाद इस अनलॉक डिवाइस ड्राइव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे पहले हमें अपना पासवर्ड फिल करना पड़ेगा जो हमने इस ड्राइव को लॉक करते टाइम डाला था। तो दोस्तों हम ये पासवर्ड फिल करेंगे जिससे ये ड्राइव पहले तो अनलॉक हो जाएगी। ड्राइव अनलॉक हो जाने के बाद दोस्तों इसमें टर्न ऑफ बिट लॉकर, मतलब जो हमें बिट लॉक डला है इसको हमेशा के लिए बंद करने के लिए हम टर्न ऑफ बिट लॉकर पे सिलेक्ट करते हैं और टर्न ऑफ बिट लॉकर। तो दोस्तों जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया हमारे सिस्टम की जो लॉक डला था एफ ड्राइव में वो इजीली रिमूव हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे यदि हमने अपने ड्राइव का जो लॉक की हुई वो पासवर्ड भूल गए हैं तो इस ड्राइव को अनलॉक कैसे करेंगे, इसका ये लॉक वाला आई साइन हमेशा के लिए कैसे हटाएंगे। जैसे कि ये ड्राइव अनलॉक है और ये वाली ड्राइव लॉक है, तो यदि हम इसका देखो ये जो हमने यूनिक पासवर्ड डाला था हम ये पासवर्ड एंटर करते हैं, यदि हम पासवर्ड भूल गए हैं तो अब इसके बाद आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या ऑप्शन होगा, इसको हम कैसे हटाएंगे। दोस्तों इसका भी एक तरीका है, जैसे कि पिछली लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जब आप लॉक करते हैं ड्राइव को तो आपको एक रिकवरी फाइल दी जाती है कि यदि आप कभी भी पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप अपनी ड्राइव को अनलॉक कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों वहां से हम उस रिकवरी की को कॉपी कर लेते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अपन अपना रिकवरी की अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना रिकवरी की फाइल को इस वाले पेज में ऑप्शन में सेव किया था बिट लॉकर रिकवरी की। तो दोस्तों हम अब इस रिकवरी की को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद दोस्तों हम फिर से कंट्रोल पैनल में जाएंगे। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद सिस्टम एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करेंगे, इसके बाद बिट लॉकर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों जैसे हमने इस ई ड्राइव को लॉक किया था अभी और इसी की ये रिकवरी फाइल है। दोस्तों आप जितनी बार भी लॉक करते हैं हर बार एक यूनिक आईडी मिलती है लॉक करने की, तो आप जिस फाइल को जहाँ पे जिसको लॉक करते हैं उसकी एक रिकवरी फाइल अलग होती है। तो मैंने ई ड्राइव को लॉक किया है और ई ड्राइव की रिकवरी फाइल को मैंने रिकवरी की को सिलेक्ट किया है। तो दोस्तों हम अनलॉक डिवाइस ड्राइव पर क्लिक करते हैं। अभी हम जब पासवर्ड डालते हैं तो वो तो रॉन्ग आ रहा था, हम मोर ऑप्शंस पे जाकर क्लिक करते हैं। मोर ऑप्शन पर जाने के बाद हम एंटर रिकवरी की इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये रिकवरी की एक डैशबोर्ड टाइप का छोटा सा खुल जाता है। इस पर वो हम अपना रिकवरी की टाइप कर देते हैं, वहां से कॉपी किया था तो यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद हम अनलॉक पर क्लिक करेंगे। देखते हैं दोस्तों जैसे ही हमने इस पे अनलॉक पे क्लिक किया अब हमारी जो ड्राइव है वो अनलॉक हो चुकी है। देखिए दोस्तों ये हमारी ड्राइव है अनलॉक हो चुकी है। अनलॉक होने के बाद हमें इसको हमेशा के लिए ऑफ करना है, तो टर्न ऑफ बिट लॉकर पर हम फिर से क्लिक करेंगे।
टर्न ऑफ बिट लॉकर पर क्लिक करते ही हमारी जो ड्राइव है उसका जो साइन था लॉक का वो हमेशा के लिए हट चुका है। अब मेरी सिर्फ जी ड्राइव ही लॉक बची हुई है। दोस्तों आप इस प्रकार अपनी ड्राइव को लॉक कर अनलॉक कर सकते हैं। और लॉक कैसे करना है ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो आप पिछली वीडियो को जरूर देखिए और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां पर जाकर भी उसको देख सकते हैं। तो ये था दोस्तों कि हम कैसे अपनी ड्राइव को अनलॉक करते हैं। यदि आप दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।